बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। इसी टॉप ये कंटिन्यूशन है, हमने पीछे इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर्स, और उसकी हम उससे रिलेटेड हमने हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी किया। आज हमारे पास नेक्स्ट जो क्लोज पैक स्ट्रक्चर आएगा वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, तो हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल को स्टडी करते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है उसमें सबसे पहले तो आप एटम्स की स्टैकिंग देखें कि वो कैसे है। इसमें लेयर ए, उसके बाद लेयर बी, और उसके बाद लेयर सी, ठीक है। फिर से लेयर ए रिपीट हो रही है, फिर बी और सी, यानी जो स्टैकिंग स्ट्रक्चर है वो ए बी सी ए बी सी ए इस तरह से रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें और हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में थोड़ा सा स्टैकिंग में डिफरेंस है। यूनिट सेल आप देखें तो इसका क्यूबिक शेप का यूनिट सेल होता है, और इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले ए फिगर, ए फिगर में हार्ड सफियर यूनिट सेल दिखाया हुआ है। अगर हम एटम्स को हार्ड सफियर तसव्वुर करें तो इस तरह से हार्ड सफियर्स यूनिट सेल में इस तरह से अरेंज्ड हैं, और रिड्यूस्ड सफियर यूनिट सेल ये बी फिगर में आप देख सकते हैं। इसमें हमने रिड्यूस्ड सफियर यूनिट सेल बनाया हुआ है। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो यूनिट सेल है वे क्यूबिक शेप का है, और हर एक फेस पे एक एटम है, यानी अगर आपके इसके सिक्स फेसेस हैं तो हर फेस के ऊपर एक एटम है। और पूरा लैटिस अगर हम देखें तो ये सी फिगर में आप देख सकते हैं, पूरा लैटिस आपको नज़र आ रहा होगा। स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है जी। इनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस मैंने आपको अभी पहले भी बताया, लेयरिंग का डिफरेंस है इसमें। अगर हम देखें तो कंसिडर अ लेयर ऑफ एटम्स प्लेन ए, सबसे पहले ऊपर प्लेन ए है, प्लेन ए के बाद द वॉइड है, फिर बी वॉइड्स हैं, और इनके अंदर यानी दो तरह की वॉइड्स हैं, और इन वॉइड्स में दूसरी लेयर जो है वो अरेंज होती है। वॉइड क्या होता है, जो एटम्स के दरमियान में जो स्पेस होती है उसको आप वॉइड कहते हैं। तो प्लेन ए रेड में नीचे, और उसके बाद ऊपर ग्रीन लेयर है प्लेन बी की, और उसके बाद जो इन दो लेयर्स के बाद जो बीच में गैप हैं उन गैप्स में एक तीसरी लेयर जो है वो अरेंज है। अगर तो तीसरी लेयर अरेंज हो तो वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, लेकिन अगर पहले वाली ही लेयर दोबारा से रिपीट हो जाए तो फिर वो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर है। तो हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, पीछे हम उसके उसका यूनिट सेल देख के आए हैं। अब ये है कि लेयर्ड अरेंजमेंट इन एफसीसी इज एज फॉलोस, ए बी सी ए बी सी ए, और इसी तरह सो ऑन ये चलती जाएगी। इसकी स्टैकिंग इस तरह से है। द मेटेलिक एलिमेंट्स लाइक कॉपर, अब ये देखें कि कौन से मेटल्स जो हैं वो एफ सी सी स्ट्रक्चर को शो करती हैं। ये कुछ एग्जांपल हैं, इसमें कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, एलुमिनियम है, निकल है, प्लेडियम एंड प्लैटिनियम, ठीक है। ये सारी जो मेटल्स हैं, प्रेशियस मेटल्स जो हैं, वो सब की सब फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर को शो करती हैं। एक यूनिट सेल में अगर हम देखें तो कितने अफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स शामिल हैं। एक तो आठ जो हैं वो कॉर्नर्स पे, आठ एटम कॉर्नर्स पे, और हर एक एटम का 1/8 पार्ट जो है वो यूनिट सेल के अंदर है। तो इस तरह 8 × 1/8 हो गया, यानी कॉर्नर्स एटम की जो कंट्रीब्यूशन है एक यूनिट सेल में वो होगी 8 × 1/8। और फेसेस पे 6 फेस हैं, हर फेस पे एक एटम है, और हर एटम का आधा हिस्सा यूनिट सेल के अंदर है, आधा हिस्सा एक यूनिट सेल के अंदर है, आधा हिस्सा 7 वाले यूनिट सेल के अंदर है।
तो इस तरह से हमारे पास जो फेसेस की कंट्रीब्यूशन आएगी वो आएगी 6 × 1/2। और इंटीरियर एटम कोई नहीं है इसलिए ये पोर्शन इसका 0 होगा। तो आपके पास अगर इसका टोटल करें तो ये 4 नंबर ऑफ एटम्स इन इन ए यूनिट सेल 4 बन रहे हैं। फिर आप कहें जी कन्वेंशनल यूनिट सेल इज़ फेस सेंटर्ड क्यूबिक, कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 12। द एटम्स टच वन अनदर अलोंग द फेस डायगनल्स। इस स्ट्रक्चर में ये होता है कि जो एटम्स हैं फेस डायगनल के अलोंग एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ज़रा आप गौर करें, ये जो सी फिगर है, सी फिगर में आप देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे अगर हम पहला आपका ये यहाँ पे एटम का पोर्शन, और उसके बाद ये फुल रेडियस, फुल इसका रेडियस होगा, और तीसरा पोर्शन जो है वो इस तरह से ये थर्ड पोर्शन होगा आपका। ठीक, तो अब देखें कि अगर हम कॉर्नर वाले एटम्स को देखें, कॉर्नर वाले दोनों एटम्स को देखें, तो यहाँ ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, यानी हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि ए इज़ इक्वल्स टू 2R, यहाँ पे ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक वो पूरा डिस्टेंस जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस है ए, और वो ए जो है वो इस वक्त 2R नहीं हो रहा। इसलिए फिर हम देखते हैं कि ये एटम जो हैं एक दूसरे को टच कहाँ से कर रहे हैं, तो ये डायगनल के अलॉन्ग एक दूसरे को टच कर रहे हैं, क्योंकि बीच में फेस का आ गया ना, कॉर्नर का एटम, फिर फेस का एटम, फिर अगले कॉर्नर का एटम, तो ये आपका इस डायरेक्शन में एक दूसरे को ये टच कर रहे हैं। तो अगर हम कहें टोटल डिस्टेंस रेडियस की, रेडियाई की फॉर्म में, एटम के एटॉमिक रेडियाई की फॉर्म में एक डायगनल डिस्टेंस कितना है, तो ये कितना बनेगा, यहाँ से ये पहले एटम का डिस्टेंस रेडियस है आर, फिर ये पूरा डायमीटर, डायमीटर क्या होता है 2R, और फिर ये तीसरा भी आर। तो आप कह सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस यानी ए इज़ इसमें जो टोटल ये पूरा डायगनल का जो है, पूरा डायगनल कितने डिस्टेंस का है, ये हो गया 4R, जैसे कि ये फिगर में भी आपको शो हुआ हुआ है, इट इज़ इक्वल्स टू 4R। ठीक है, डायगनल हो गया 4R। अब देखिए बेस इसमें ये ट्रायंगल बन रही है, एक हो गया बेस, एक हो गई परपेंडिकुलर, तो ट्रायंगल की जो बेस है वो भी ए लेंथ की है, ट्रायंगल की परपेंडिकुलर भी ए लेंथ की है। तो अगर आप ट्रायंगुलर रूल, इसमें पैथागोरियन रूल लगाएं, तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, यानी बेस का स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वेयर इक्वल्स टू डायगनल या फिर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है जी, अब आप इससे ये रिलेशनशिप इजीली निकल आएगा, यानी अगर हम इसको दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 4R इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2A। ठीक है, तो यहाँ से हम रेडी इसको हम कहते हैं दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक रेडियस आर एंड द एज लेंथ ऑफ द क्यूब ए। एज लेंथ क्यूब की जो एज लेंथ है वो ए है, और आर जो है इट इज़ द एटॉमिक रेडियस, और इन दोनों का आपस में जो रिलेशनशिप है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की सूरत में वो है 4R इज इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ 2A। ये चीज़ हम आगे यूज़ भी करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड पे आपके पास आ गया एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में हमें एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फाइंड करना है। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इसका वैसे होता है 0.74। ठीक है, और अभी आपने पीछे देखा कि 4R इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2A। ठीक है, और इस सेल में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स शामिल हैं वो है 4 एटम्स पर यूनिट सेल।
तो आपके पास AAPF यानी एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ ईच एटम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ एटम्स इसमें है 4 और एक एटम का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 4/3 πr³ है। तो r की वैल्यू आप यहाँ से ऊपर फॉर्मूले में से r की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी √2a/4 ये r की वैल्यू है, वो r की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे। और उसके बाद क्यूबिक शेप का जो भी यूनिट सेल हो उसका वॉल्यूम a³ होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो आपके पास जो आंसर आएगा, पैकिंग फ्रैक्शन जो आएगी या पैकिंग फैक्टर जो आएगा वो 0.74 होगा। ये चूंकि ये क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर है, क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर चाहे हेक्सागोनल हो चाहे फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो, दोनों का पैकिंग फैक्टर 0.74 होता है, क्योंकि इनको कहते ही क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर इसलिए हैं कि जिनका 0.74 से ज़्यादा का या इसके बराबर पैकिंग फैक्टर हो उनको आप कहते हैं क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर्स। अच्छा जी, अब क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स के बाद जो दूसरी ऑप्शन है हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर्स की, वो है लूज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। लूज पैक्ड स्ट्रक्चर्स, लूज पैक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, अ लूज पैक्ड स्ट्रक्चर इज दैट इन विच पैकिंग फ्रैक्शन इज लेस देन 0.74। यानी अगर 0.74 से कम पैकिंग फ्रैक्शन हो तो फिर हम उसको कहेंगे लूज पैक स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेशन नंबर भी लूज पैक स्ट्रक्चर्स का 12 से कम होता है। द मोस्ट कॉमन एंड सिंपलेस्ट लूज पैक्ड स्ट्रक्चर्स आर, अब इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर्स शामिल होते हैं, एक को कहते हैं हम सिंपल क्यूबिक और दूसरा इसमें जो है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ये दो इसकी बहुत ही सिंपल और कॉमन एग्जाम्पल हैं, सिंपल क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे डिटेल में। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, द कन्वेंशनल यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर इज द सेम एज इट्स प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव सेल और इसका प्रिमिटिव यूनिट सेल और इसका जो सिंपल स्ट्रक्चर है वो एक जैसा ही होता है। मतलब क्या है कि इसमें इस सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में सिर्फ कॉर्नर्स पे 8 एटम मौजूद होते हैं, अंदर या फेस पे कोई एटम नहीं होता, इसलिए इसका यूनिट सेल जो है वो प्रिमिटिव होता है। ओनली पोलोनियम एग्जिबिट्स दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर। पोलोनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो शो करता है। द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल इज 8 × 1/8। यानी कि सिर्फ कॉर्नर्स पे 8 एटम मौजूद हैं और हर एटम का 1/8 पार्ट जो है वो क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर है, इसलिए 8 × 1/8। इसमें इंटीरियर एटम नहीं है और इसमें फेस एटम कोई नहीं है, इसलिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम सिर्फ 1 है। द एटम्स आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ओनली एंड टच वन अनदर अलोंग द क्यूब एज। एटम एक दूसरे को क्यूब के एज के अलोंग टच करते हैं। ज़रा यहाँ से देखें, ए और आर का रिलेशनशिप आपको डायग्राम से बिल्कुल वाज़े हो रहा होगा कि ये एटम और ये एटम, ये दोनों एक दूसरे को कॉर्नर एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, आर, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है आर। तो आपके पास 2r इज इक्वल्स टू ए या फिर ए इज इक्वल्स टू 2r, ये आपका सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में आपके ए और आर का रिलेशनशिप आ गया। उसके बाद इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इसका 6 होता है, यानी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो कोई भी एटम है उसके नियरेस्ट आइडेंटिकल नेबर जो हैं वो 6 होंगे। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इसका हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं, 1, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a³, वॉल्यूम ऑफ एटम इन साइड द यूनिट सेल। अब कितने, जो एक एटम है तो जाहिर है जितने एटम शामिल हों उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे, एक एटम के वॉल्यूम से। यानी वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल का मतलब है कि नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, तो वो आपके पास आ गया 4/3 πr³। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपका कितना आ जाएगा,
ए क्यूब, अब यहाँ पे आप आर की वैल्यू लगाएं, इस जगह पे आप आर की वैल्यू लगाएं। आर की वैल्यू क्या है, अभी आपने पीछे फाइंड की, ए इज इक्वल्स टू 2 आर है, तो आर क्या होगा, ए बाय 2 होगा। वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें तो आपके पास जो पैकिंग फैक्टर आएगा वो आएगा 0.52। ये देखिए ये तकरीबन 50% इसके एटम्स यूनिट सेल की स्पेस को ऑक्यूपाई किए हुए होते हैं, इसलिए ये लूज पैक स्ट्रक्चर है। जबकि क्लोज पैक स्ट्रक्चर में तकरीबन 74% एटम्स जो हैं उन्होंने ऑक्यूपाई किया होता है स्पेस को, तो इसलिए वो क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा जी, अब एक और कॉमन एग्जांपल आ गई, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में एक सेंटर में कॉर्नर्स पे 8 एटम्स होते हैं, जबकि एक एटम जो है वो बॉडी के बिल्कुल इंटीरियर में सेंटर में लोकेट करता है। और इसके एग्जांपल में है सोडियम, पोटाशियम, मोलोनियम एक्सेट्रा, और ये इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को शो करती हैं। द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इज, अब इसमें देखें कितने यूनिट सेल, कितने इफेक्टिव एटम हैं, ये कॉर्नर एटम्स 8 × 1/8, और एक उसका इंटीरियर एटम +1, फेस पे कोई नहीं है इसलिए वो इसमें शामिल नहीं है। तो टोटल कितने एटम्स यूनिट सेल में, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए, 2। द एटम्स आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स एंड 1 एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। अब यहाँ से इस वाली फिगर में आप देख सकते हैं, सेकंड फिगर में आप देख सकते हैं कि एटम्स जो हैं वो एक दूसरे को कॉर्नर्स के अलोंग टच नहीं कर रहे। एटम्स जो हैं वो इधर से ये जो किस डायगोनल के फेस डायगोनल में भी टच नहीं कर रहे, यानी यहाँ से लेकर ये एटम टच नहीं कर रहा। टच कहाँ से कर रहे हैं, ये जो एक लाइन जो इसके अंदर से पास करती हुई वो तीस कॉर्नर वाले एटम को जाएगी, यानी जो बॉडी के अंदर से बॉडी डायगोनल है, एक होता है फेस डायगोनल, और ये एटम्स एक दूसरे को बॉडी डायगोनल के अलोंग टच कर रहे हैं। तो हमें ए और आर का रिलेशनशिप बॉडी डायगोनल से लेना पड़ेगा। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ज़रा गौर से देखें। ईच एटम टच वन अनदर अलोंग द बॉडी डायगनल। तो ये है आपके पास एक कॉर्नर का एटम, और ये जो सेंटर में बना हुआ है ये बॉडी डायगनल है, और ये दूसरे कॉर्नर का एटम है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने क्या किया, एस वी का स्केयर इज इक्वल्स टू एस आर का स्केयर प्लस आर वी का स्केयर। एस वी क्या है, एस वी ये बेस लाइन है, ये वाली, ये जो बेस का डायगोनल है ये आपने सबसे पहले फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए आपने क्या किया है, एस वी का स्केयर इज इक्वल्स टू एस आर का स्केयर। अब एस आर क्या है, ये है इधर से, ये एस आर का स्केयर, और इसकी लेंथ कितनी है, ए। यानी अगर आपने एस वी का स्केयर फाइंड करना है तो एस वी का स्केयर इज इक्वल्स टू ए स्केयर, और उसके बाद ये भी आर वी का स्केयर, ये भी ए है। तो इस तरह आपके पास हो गया ए का स्केयर प्लस ए का स्केयर इज इक्वल्स टू एस वी का स्केयर। ये जो सेंट्रल लाइन थी, ये जो सेंट्रल फेस डायगनल था एस वी, इसको फाइंड करने के लिए इसको फाइंड किया तो ये लेंथ आपकी कितनी आ गई, 2 ए का स्केयर। ठीक हो गया। अब आपको क्या करना है, अब अगली फिगर कंसिडर करनी है। अगली फिगर कौन सी है, कि ये जो बॉडी डायगनल है, बॉडी डायगनल, और इधर से ये उसमें वो डायगनल हाइपोटेन्यूज, ये हो गई परपेंडिकुलर, और ये एस वी उसमें क्या आ रही है, ये बेस के तौर पे आ रही है ऐसे करके, ये ठीक है। अब आपने ये डायग्राम इसमें कंसीडर करनी है। अब आप इस पे अप्लाई करें ट्राइंगुलर रूल तो आपके पास आ जाएगा पी वी का स्केयर, पी वी का स्केयर दैट इज इक्वल्स टू एस वी का स्केयर प्लस पी एस का स्केयर। तो इसमें एस वी आपने फाइंड किया था, दैट वॉज 2 ए स्केयर, और पी एस का स्केयर ए स्केयर, तो ये बन गया 3 ए स्केयर। ठीक है जी। तो
पी वी स्क्वेयर को अगर आप रेडियाई की फॉर्म में लिखेंगे तो ये कॉर्नर वाले एटम का रेडियस आर, ये सेंटर वाले एटम का डायमीटर 2 आर, और फिर ये कॉर्नर वाले का आर, तो ये पी वी क्या होगा, आर की फॉर्म में 4 आर स्क्वेयर। तो आपके पास यहाँ पे 4 आर स्क्वेयर हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 3 ए स्क्वेयर, और ए की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 4 ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ 3 इंटू आर। ये रिलेशनशिप है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की फॉर्म में। तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जब आप इसका कैलकुलेट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितने शामिल हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 2। इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 एटम्स हैं। यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है वो ए क्यूब है, और अब आप इसको फॉर्मूला लगाएं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप इसमें लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 3 पाई आर क्यूब, ये आ जाएगा उन एटम्स का वॉल्यूम जो इसके अंदर शामिल हैं, डिवाइडेड बाय ए क्यूब, और उसके बाद आपने आर में आर की वैल्यू ऊपर से लगा देनी है, यहाँ से इसमें से 4 ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ 3 आर इज इक्वल्स टू ए, यहाँ से आपने आर की वैल्यू निकाल लेनी है, आर की वैल्यू आ जाएगी स्क्वेयर रूट ऑफ 3 ए डिवाइडेड बाय 4, वो आप इस फॉर्मूले में नीचे पुट कर देंगे तो आपका जो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू 0.68। तो ये सिंपल क्यूबिक जितना कम भी नहीं है, लेकिन 0.74 जितना ज़्यादा भी नहीं है। तो इस तरह से ये आपके सारे सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स जो मेटेलिक मोस्टली मेटल्स जो स्ट्रक्चर्स शो करती हैं वो सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उसमें आपने ये देखा कि लूज पैक स्ट्रक्चर्स एंड क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स। क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स में हेक्सागोनल एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और लूज पैक स्ट्रक्चर में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड सिंपल क्यूबिक। तो ये सब जो है ये आपके स्ट्रक्चर्स आ गए।